पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलोचनात्मक और विवादास्पद लेख लिखने के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने आप को एक बार फिर से संकट में डाल लिया है। दरअसल 10 अगस्त को लिखे एक आलेख में राउत ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राउत ने सामना के एडिटोरियल में कहा था कि जरूरी वस्तुओं के दाम जरूरतों से ज्यादा बढ़ गए हैं, अगर आगे भी यही हाल रहा तो अनाज दालों और चीनी की कमी हो जाएगी। आर्टिकल में राउत ने इन हालात के प्रति मोदी सरकार की जागरूकता पर सवाल उठाए थे और सरकार से पूछा था कि आम आदमी को आखिर इस बढ़ती महंगाई से कब राहत मिलेगी। इसके साथ ही राउत ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से शॉर्टकट करके देश में हमला भी करवा सकती है। बता दें, इस मामले में महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया, जहां पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यवतमाल के संयोजक नितिन भुटाड़ा ने सामना अखबार के कार्यकारी संपादक राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार भुटाड़ा ने दावा किया कि राउत ने 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आपत्तिजनक लेख लिखा था। आगे पुलिस अधिकारी ने कहा कि उमरखेड़ पुलिस थाने में राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 505 और 124 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करने के बाद सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार इतनी तानाशाही हो गई है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है, कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मानो इन लोगों ने ईडी, सीबीआई और आईटी को तो अपना हथियार बना लिया है। इस घटना को लेकर संजय राउत का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले अमित शाह ने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी टिप्पणी की थी, तो क्या उन पर भी केस रजिस्टर करेंगे। आगे उन्होंने कहा, हमारे देश का लोकतंत्र है, कई नेता बयान देते हैं, अगर लोग ऐसे ही केस करवाते रहेंगे तो किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, जिसके लिए हम आपातकाल से लड़े थे। बता दें, संजय राउत इससे पहले ईडी द्वारा पात्र चाल पुनर्विकास परियोजना के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जहां उन्होंने करीब 100 दिन जेल में काटे थे। अब देखना होगा इस बयान के बाद संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ती है या कम होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।